अगर आपने कल का मुकाबला नहीं देखा तो हम आपको बता दें कि शुक्रवार को हुए आईपीएल सीजन 11 के 34वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स 11 पंजाब से हुआ। दोनों के बीच बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। किंग्स की शान और मुंबई इंडियंस की मान के बीच हुए इस मुकाबले में बड़ा ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब 17 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 139 था। अब मुंबई को जीतने के लिए 18 गेंदों में 36 रनों की जरूरत थी। इनफॉर्म बल्लेबाज के आउट होने के बाद मुंबई की पारी लड़खड़ा चुकी थी। टीम को हार्दिक पांड्या से काफी उम्मीद थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर अपनी टीम को निराश किया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा और कुणाल पांड्या ने मोर्चा संभाला। वहीं 18वां ओवर डालने के लिए पंजाब के मार्कस टोनीस को उतारा गया। कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर कुणाल पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर में रोहित और कुणाल ने जमकर चौके छक्कों की बरसात की और मैच का रुख पलट दिया। इस ओवर में रोहित और कुणाल ने 20 रन बनाए और मुंबई को जीत तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, मुंबई ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, जिसमें पंजाब ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए थे। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम ने इस लक्ष्य को 9 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।